स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं एक चैप्टर द हैक ड्राइवर। ये 8th चैप्टर है आपका बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। और ये एक कहानी अजीब सी है एक लॉयर की, अप्रेंटिस में है, नया नया लॉयर है और कभी काम सीख ही रहे हैं और न्यू जॉब है, और उनकी बचपना कहें या एक्सपीरियंस का अभाव कहें वो दिखता है इस स्टोरी में। इस स्टोरी को जैसे जैसे डेवलप होगा आप पाएंगे कि कैसे अगर कोई मैच्योर होता है, एक्सपीरियंस होता, तो कहानी कहाँ जाती और एक इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से कहानी कितना बचकाना हो गया है। एक लॉयर फॉर्म की कहानी है और एक बहुत ही चालाक पर्सन की कहानी है। तो आइए देखते हैं कहानी कैसे स्टार्ट होती है। नरेटर जो है वो खुद है, जो इनएक्सपीरियंस एक लॉयर हैं, बिल्कुल ही यंग, नया नया अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं और प्रैक्टिस के लिए किसी जूनियर असिस्टेंट के तौर पे कहीं ज्वाइन करते हैं। नाउ स्टार्ट। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। सो नरेटर कहते हैं ग्रेजुएशन का ऑनर्स करने के बाद ये एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन चुके हैं मैग्निफिसेंट लॉ फर्म, कोई लॉ की कंपनी है, बहुत ही शानदार नाम में नाम काम वाला है। आई वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। मुझे भेजा गया सम्मन किसी को देने के लिए, न्यू सम्मन। सम्मन मीन्स किसी को बुलवाना, कॉल फॉर सम्मन। सो ये सम्मन नोटिस होता है एक तरह से। सो ये लॉ फॉर्म नोटिस भेजना है इनको कहीं पे, तो इनको यूज़ करता है कि आप ये नोटिस दे के आइए बाय हैंड। तो ये थोड़ा सा असंतुष्ट है जो नरेटर हैं कि नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, कि इनको ये था कि क्लर्क बन गए हैं तो लीगल कुछ ब्रीफ वगैरह प्रिसाइज करना हो, कुछ नोटिस वगैरह नोट बनाने हो, पर इनको बाहर का काम कर दे दिया गया लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। सो ये असंतुष्ट हैं कि एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव मतलब मामूली सा या फिर घटिया टाइप का प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. अब मुझे जाना था एक dirty and shadowy corner of the city, मतलब गांव का एक ऐसे ही गंदा और काफ़ी shadowy, मतलब जहाँ पे खूब चमक धमक लाइट वगैरह नहीं है, दैट मीन्स गुमनाम सी जगह, सिटी के ऐसे ही कॉर्नर में जहाँ पे हमें एक विक्टिम को ढूंढना है जिसको ये संबंध देना है। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। और ऐसे जगह पे अक्सर जहाँ मैं जाता हूँ तो कोई अगर लार्जर और सेल्फ कॉन्फिडेंट मोटा तगड़ा आदमी अगर कोई मिलता है तो मैं पिट के भी आता हूँ कई बारी। सो ये इनका ड्यूटी हो गया है। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। मुझे ऐसे नाखुश काम या दुखद काम से बहुत ही नफरत है। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी। और फिर ये सिटी लाइफ का बाहर जा के ये काम करना, ये भी मुझे लगता है कि मैं इससे खुश नहीं हूँ। आई इवन कंसिडर्ड फीलिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। सो ये भी सोचते हैं ये नरेटर जो हैं कि कई बार ही कि अपना ही ये लॉ फॉर्म कोई बना लें कहीं और ये शहर से बाहर जाके गांव में कोई प्रैक्टिस शुरू कर दें। फीलिंग टू माय होम टाउन, अपना होम टाउन, होम टाउन उसको कहते हैं जिस गांव में आप रहते हैं उसके आसपास का वो टाउन जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। सो वो अपने होम टाउन चले जाएं और जहाँ पे ये अपना लॉयर खुद का बन जाएं, और ये इस टाइप का जिस काम में अभी ये किसी लॉयर फॉर्म में जहाँ पे हैं जिसके साथ वो जो इसको यूज़ कर रहे हैं इनको, सो ये यूज़ ना हो कहीं, अभी अपने इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इस टाइप की इनके दिमाग में भी सोच आता है अपना काम स्टार्ट करने की। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री। तो एक दिन फिर भी बहुत मज़ा आया जब मुझे उन लोगों ने भेजा यहाँ से 40
40 माइल दूर, 40 माइल दूर जाना है किसी गांव में, देहात में बिल्कुल ही। तो उस दिन मुझे मौत हुआ टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन, और वो जगह न्यू मुलियन के नाम से कहलाता है, टू सर्व समवन ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, और वहाँ पे ओलिवर लुटकिन नाम के आदमी को ढूंढ के उनको सम्मान देना, उनको बुलवाना है लॉ फॉर्म में। वी नीड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। हमें मतलब हमारे इस फॉर्म को इस आदमी की ज़रूरत है विटनेस, गवाह के तौर पे एक लॉ केस के लिए, कि इनके आने से वो केस इजी हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और सिर्फ इनकी गवाही की वजह से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो केस, और कई बार ही इग्नोर कर दिया इनने जब भी कोई लेटर वगैरह इनको भेजा गया है, रजिस्टर लेटर या जो कुछ भी कॉल लेटर भेजा है, उन्होंने इग्नोर कर दिया है, नहीं आए अब तक। तो अब आदमी जाके बाय हैंड उनको दे के आएगा। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. So, ये कह रहे हैं कि जब मैं New Mullion पहुंचा, so मेरा जो उत्सुकता था या उम्मीद थी एक मीठा सा और सिंपल कंट्री विलेज होने का, कि जहां मैं जा रहा हूं मज़ेदार सब कुछ बढ़िया होगा, गांव का खुला खुला सब कुछ है, वो बुरी तरह से निराश हुआ मैं उनको देख के। इट्स स्ट्रीट्स वेयर रिवर्स ऑफ मड, इनकी जो गलियां सड़कें थी वो बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ जैसे लग रहा था, नदी और मिट्टी मिला हुआ है सारा। With row of wooden shop, either painted a sore brown or bare of any paint at all. और फिर लकड़ी के दुकान जहाँ तहाँ बिल्कुल भद्दे डल टाइप के, कहीं कुछ पेंट हैं कुछ बिना पेंट के ये हैं, सो अजीब से। द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। जो वहाँ पे पसंदीदा एग्रीएबल मतलब जहाँ मन एग्री किया, देखने लायक कोई चीज़ जिस जगह पे उस जगह पे था, वो था डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन मीन्स जो वो गाड़ी कैरेज वैरेज चलाने वाला कोई आदमी जो आपको कैरेज करता है किसी को ले जाके, वो एक आदमी था स्टेशन के ऊपर जो इनको अपने जैसा या पसंद आया पूरे शहर में। जब ये पहुँचे जब से लेके तब से उस आदमी मिलने तक इनको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आया। ही वॉज अबाउट 40, वो आदमी लगभग 40 की उम्र का था, रेड फेस्ट लाल चेहरा, चीयरफुल काफ़ी प्रसन्न, एंड थिक अबाउट द मिडल, और थोड़ा सा थिक मिडल मिडल में, बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं और लीन थीन भी नहीं। हीज वर्किंग क्लोथ्स वेयर डर्टी एंड वेल वॉर्न, और जो कपड़े वो पहन रखे हैं सो गंदे हो चुके हैं जाहिर है। वेल वॉर्न मतलब कि अच्छा खासा पहना हुआ, ये भी नहीं कि तुरंत साफ अलमीरा से निकाल के पहना हुआ हो एज एन। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, और बिल्कुल ही दोस्ताना मैनर बिहेव था एक दूसरे से डील करने का। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, मतलब उसको देखते ही आप महसूस करोगे कि वो आदमियों को पसंद करता है, मतलब आदमी का मिलनसार आदमी है, किसी से बड़े आराम से मिलता है, आपस में बात करता है, हेल्पफुल है, इस टाइप का उसको मिलके ही आप फील करोगे। सो नैरेटर का अनुभव है इस 40 के करीब के उम्र के आदमी के लिए। आई वॉन्ट आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, सो उस आदमी से मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ एक ओलिवर लुटकिन नाम के आदमी को ढूंढना, उनसे मुझे काम है। सो ये है आपका पहला पेज, यहाँ ख़त्म होता है इस पहले पेज। अब नेक्स्ट पेज में चलने से पहले एक बार इनको अब तक आपने क्या समझा वो एक बार चेक कर लेते हैं। वो ये है कि एक नौसिखिया ग्रेजुएट लॉ फर्म में असिस्टेंट क्लर्क के रूप में बनते हैं। क्लर्क का मतलब होता है क्लर्क मतलब होते हैं ऑफिस में हिसाब किताब रखना, लेन देन रखना, या किसी चीज़ को रिकॉर्ड रखने, कीपिंग के सेंस में क्लर्क शब्द यूज होते हैं। तो ये मतलब पोस्ट तो गए हैं इसी काम के लिए, पर इनको यूज़ किया जाता है जनरली दूर दूर किसी को सम्मान देना, किसी को बुलवाना, किसी में मतलब ऑफिस पियन की तरह घुमाने फिराने का बाहर का काम, जिससे ये नाखुश हैं। कई बार ये बाहर जाते हैं तो किसी को सम्मन देने की बुलाया है और वो सम्मन पढ़ के इनको उल्टे पीट भी देते हैं ताकि इनको डरा दें कि दोबारा फिर वापस ना आ जाए मेरे को ये बुलाने के लिए। कोर्ट वगैरह से लोग जनरली डरते हैं सम्मन में, तो ये काफ़ी नाखुश हैं और चाहते हैं अपने होम टाउन चले जाऊँ, वहाँ पर ना बिजनेस करूँ इस टाइप का। और नया यंग में तो होता ही है, जब तक स्थिर नहीं होते इन लोगों का दिमाग चलता रहता है, कभी होता ये करूँ कभी होता वो करूँ। सो इस तरह से हैं। अब ये एक स्टोरी डेवलप होता है इनके साथ, इस कहानी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे आगे क्या होता है। पेज टू, तो जो ही उसने पूछा 40 के उम्र के आदमी से कि आई वॉन्ट समवन,
नेम लुटकिन. तो वो चौंक के बोलता है लुटकिन्स आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो. लुटकिन मैंने उसे देखा था लगभग एक घंटा पहले यहाँ आसपास में. हार्ड बिलो टू कैच दो कह रहे बहुत ही उसको कैच पकड़ना यद्यपि बहुत ही हार्ड है इतना आसान है नहीं. ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर हमेशा किसी न किसी काम के पीछे वो लगा ही रहता है कहीं वो मतलब बिजी रहता है इजी नहीं है किसी के हाथ लग जाए. ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिड्स शॉप. सो संभवतः वो कोशिश कर रहा है पोकर गेम होता है ताश की कोई खेल है और फ्रिड्स शॉप है किसी दुकान में वहाँ पर अक्सर वो वहीं पर होता है खेलता है या फिर खेल देखता रहता है. आई सेड टेल यू बॉय इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिन्स कह रहे कि मैं बताऊंगा तुमको उसके बारे में कहीं तुम्हें जल्दी तो नहीं उसको फाइंड आउट करने में लोकेट पता करने में कि कहाँ पे है बहुत जल्दी तो नहीं है क्योंकि वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी हाथ लगेगा नहीं. यस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट. सो कह रहे कि हाँ जल्दी तो है मुझे वापस ट्रेन पकड़ना है जो शहर की तरफ जाता है आफ्टरनून के बाद और मुझे उसके साथ कुछ सीक्रेट और इम्पोर्टेंट काम है. फिर वो कहता है आई शैल टेल यू व्हाट मैं बताता हूँ क्या आई हैव गॉट ए हैक. सो हैक मतलब एक तंगा टाइप का होता है जो आगे घोड़ा होता है और एक बक्सा उसमें चलाते हैं दो आदमी बैठ सकते हैं आगे में फ्रंट पे. सो उसको हैक कहते हैं. सो आई हैव गॉट ए हैक मतलब मेरे पास एक हैक है. आई शैल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइंड लुटकिन. सो मैं इस गाड़ी को निकालता हूँ और हम वहाँ पर बैठ के लुटकिन को दोनों साथ मिल के ढूंढते हैं कहाँ कहाँ है वो. आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट मैं वो लगभग सारी जगहों को देखता हूँ जहाँ कहीं भी वो मंडराता है या हो सकता है. ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वॉर्मथ ऑफ हिज अफेक्शन. सो कह रहे हैं वो इतना खुले दिल का और काफ़ी दोस्ताना था कि मैं तो बिल्कुल ग्लो प्रसन्न हो गया चमक उठा मतलब उनकी इस गर्मजोशी से और उसके इस अफेक्शन से जो अफेक्शन ये एक तरह से प्रेम होता है स्नेह. सो उसके इस स्नेह से कि जो ही मैंने बोला वो अपना तांगा निकालता है मुझे बिठाता है चलो मैं तुम्हारे अपना टाइम देने के लिए तैयार है. सो बहुत ही अजीब टाइप का ऐसे लोग जनरली नहीं मिलते हैं. आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल. हाँ ये तो मैं बेशक जानता हूँ कि वो बिजनेस चाहिए था उसको बिजनेस मिल गया एक सवारी चाहिए था मुझे मिल गया पर फिर भी हिज काइंडनेस वॉज रियल उनकी जो काइंडनेस थी दूसरे के प्रति दया या किसी से हेल्पफुल मैनर ये रियल था इसमें कोई बनावटी नहीं था. आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फिलो और मैं मुझे खुशी थी कि इनको जो भी पैसे मैं दूंगा वो फेयर मनी है मतलब नाजायज़ नहीं है काफ़ी साफ सुथरा मतलब ऐसे आदमी को पैसे देने में भी कोई बुराई नहीं है. आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour और फिर मैंने उनसे मैनेज किया बार्गेन किया कि पर घंटा $2 चार्ज उसको ढूंढने में जो भी समय लगे. एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियरली ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स और तब वो जाके अपने घर से लेके आता है एक सॉर्ट ऑफ लार्ज बॉक्स लार्ज ब्लैक बॉक्स एक बक्सा ब्लैक मतलब वही तांगा को वो कह रहा है कि बड़ा सा काला सा बक्सा एंड जो व्हील पे है पहियों वाला ही रिमार्क और फिर वो रिमार्क करता है अपने उस तांगा को दिखा के वेल यंग मैन हेयर इज द कैरेज कह रहे कि यंग मैन मतलब क्योंकि वो 40 का है और ये नया आदमी 25 का या 27 का या 28 का तो यंग मैन ही बताया जाएगा इनके लिए. तो कह रहे यंग मैन ये है कैरेज एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड और उनका ये खुल के वाइल्ड स्माइल मतलब पूरा मुँह फाड़ के हंसने वाला जो अंदाज था सो कह रहे हैं ऐसे लगा जैसे हम पुराने दोस्त हैं उनसे. दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर और ये मैं महसूस किया कि ये गांव के लोग ने हमेशा तैयार होते हैं किसी अजनबी को मदद करने के लिए. ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ऑन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिन्स फॉर मी वो अपने आप ही लुटकिन को ढूंढना मेरे लिए जैसे अपना काम बना लिया हो उस वो है जैसे किसी काम को अपना समझ के करना इस टाइप का इन्होंने बना लिया है. तो ये दर्शाता है कि गाँव के लोग कैसे हेल्पफुल होते हैं. ही सेड फिर वो कहता है कहा इनसे कि आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फिलो बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिन्स.
सो उसने इससे पूछा पता करने के लिए कि मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, तुम्हारा आपस का माता है यंग फिलो, पर फिर भी मैं गेस करता हूँ कि तुम्हें शायद उससे कुछ पैसे वैसे लेना है, कुछ तगादा है। ही नेवर पेज एनी बडी ए सेंट, वैसे वो एक सेंट भी वापस नहीं करता, किसी को देता नहीं है। ही स्टिल ओज माई 50 सेंट ऑन ए पोकर गेम, आई वॉज फूल एनफ। सो कह रहे हैं कि मेरा वो 50 सेंट रखा हुआ एक पोकर गेम मैं उसके साथ खेलता है। सो मैं पर्याप्त मूर्ख था कि उसके साथ गेम खेल लिया। तो इस टाइप का ये पेज भी, सेकेंड पेज ख़त्म होता है। अगले पेज पे जाने से पहले एक बार मैं आपसे चेक कर लूँ कि कहाँ तक पहुँचे हम। वो लुटकिन उस आदमी से जब मिलता है स्टेशन पे, फिर उनको वो आदमी इनको काफ़ी हेल्पफुल महसूस होता है, उन्होंने ही अपना तंगा भी निकाला, उनके साथ बार्गेन भी हो गई, कीमत भी लग गया $2 पर आवर का, और वो इनके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा उसी पैसे में, और इनके लुटकिन को ढूंढने के लिए सो काफ़ी है, अब ये फ्री हो गया, वो ढूंढ के इनको देगा। इस हिसाब से इन्होंने उस गाड़ी में बैठा और इस तरह से शुरू होते हैं। अब वो आदमी गेस करता है कि ये जो लुटकिन ढूंढने के लिए आया है शहर से, तो जाहिर है कुछ पैसे वैसे का ही लेन देन होगा, तो वो फिर भी पूछ बैठता है और साथ में ये बताता है कि वो आदमी इतना आसानी से पैसे किसी का वापस करता नहीं है। एक बार मैं भी उसके साथ पोकर गेम में जीत चुका हूँ, जो पैसे अभी तक उसने दिए नहीं हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज 3 में इस चैप्टर के। सो नेक्स्ट पेज, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम। सो उसके साथ खेलने मैं बहुत बेवकूफ था, उसके साथ मुझे खेलना ही नहीं चाहिए था। ही इज़ नॉट रियली बैड, बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। वास्तव में वो बुरा नहीं है, पर उससे पैसे निकलवाना इतना आसान काम नहीं है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अगर तुम उससे पैसे लेने की कोशिश करोगे और इस ड्रेस में, जो शहर के लोग होते हैं तो थोड़ा बन ठन के जाते हैं सारे, तो कह रहे इस फैंसी ड्रेस में अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें देख के सस्पिशियस मतलब संकित हो जाएगा, और वो तुम्हें चकमा दे के निकल जाएगा, गेट अवे फ्रॉम यू, आप सो निकल जाएगा कहीं ना कहीं बच के, देखते ही बिना बात किए हुए पता पड़ जाएगा। तो सो इफ़ यू वांट आई शैल गो इन टू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम। अगर तुम्हें कुछ एतराज़ ना हो तो तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा फिर शॉप में, उस दुकान में, और मैं उसको सर्च करूंगा कि कैसे मैं उसको ढूंढता हूँ। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम नज़र मत आना, बेशक मेरे पीछे रहना, पीछे छुप जाना, ताकि तुम पर नज़र ना आए, लगे नहीं कि तुम मेरे साथ हो। आई लव्ड हिम फॉर दिस। सो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा उसका इस तरह से बिहेव करना कि वो मेरी जगह सारा पेन लेगा और वही ढूंढेगा। सो इसके लिए आई लव्ड हिम। By myself, I might never have found Lutkins. अगर मैं अपने आप बात करूँ तो शायद मैं तो कभी लुटकिन ना ढूंढ पाऊँ, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं, पहचानता नहीं, मुझे किसी न किसी से पूछ के ही लुटकिन को पता करना था, और ये आदमी जानता भी है, खुद सब कुछ करने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. और इस हैक ड्राइवर के knowing help, मतलब एक जानकार जो जानता है, वो जानकारी वाली मदद, अब ये मेरे को पक्का विश्वास है कि मैं लुटकिन को ढूंढ ही लूँगा, दे ही दूंगा, मैं सफल होऊंगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सॉल्व द समन्स ऑन लुटकिन। और फिर जब इतना कुछ हो गया तो फिर मैंने उनको उस हैक ड्राइवर को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, बता ही दिया कि क्या बात है। फिर उनको बोला कि मैं एक्चुअली उनको एक सम्मन देना है, जो सम्मन मैं उसके लिए लाया हूँ, पैसे का कोई लेन देन नहीं है। That the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. कह रहे हैं कि वो सम्मान ये है कि ये आदमी अक्सर जो है सो विटनेस बनने से रिफ्यूज़ किया है, जब भी इनको लेटर भेजा है कभी इन्होंने सुना नहीं, कभी आए नहीं, और जबकि इसका जो ऑपरेशन मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन जो सूचना जो गवाही इनके पास है ये अगर दे देंगे तो एक केस जो है सो बड़ी जल्दी सेटल हो जाएगा। सो बस वो सेटल होना सिर्फ इनकी गवाही की वजह से रुका हुआ। द ड्राइवर लिसेंड अर्नेस्टली, वो जो हैक ड्राइवर है बड़ा गंभीरता से सीरियसली उनको सुनता है, और एट द एंड वो आखिर में कहता है ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ट। वेल वेल गिव ब्रदर लुटकिन ए लिटिल सरप्राइज, कह रहे हैं फिर उन्होंने आखिर में मुस्कुरा के मेरे शोल्डर पे को थपथपाता है, पैटेट करता है, कह रहे अच्छा ठीक है चलो, हंसते हुए कि फिर भी चलो लुटकिन को एक सरप्राइज देते हैं, मतलब अचानक ही उसको मिलते हैं कुछ अजीब टाइप का। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर,
और फिर मैंने बोला चलो चलते हैं, तो दोनों हम चल दिए। मोस्ट फोल्क अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नूसन, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। अब वो कार्ट वाला है जो हैकर है वो अपनी पहचान देता है, इसको कहता है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग मुझे मोस्ट फोल्क ज़्यादातर लोग सो मुझे बिल या मैग्नूसन कहते हैं, मेरा नाम है यहाँ लोगों में, और मेरा जो बिजनेस है वो विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग इस नाम से चलता है यहाँ पे। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, कह रहे अच्छा ठीक है बिल, अब मैं तुमको बिल बोलूँगा, हम फ्रिज के लिए चलें आगे बढ़ें। यस लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, कह रहे कि हाँ बिल्कुल, मतलब अगर कहीं होगा लुटकिन तो यही संभवतः होगा। सो प्ले ए लॉट ऑफ पोकर, बहुत कार्ड खेलता है ताश बहुत ज़्यादा, ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, और वो किसी को भी धोखा देने में समझो माहिर है बहुत ही। बिल सिम टू एडमायर लुटकिन टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, और मुझे ऐसा लगा कि ये बिल जो है सो लुटकिन के डिसऑनेस्टी को ही प्रशंसा में लगा हुआ, मतलब उसकी डिसऑनेस्टी को ही जब भी बताता है तो प्रशंसा के ढंग से बताता है, मतलब कि इसको वो बहुत पसंद है उसकी डिसऑनेस्टी खास करके। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन ए पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिन रेस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विथ रेग्रेट। सो मैं महसूस करता हूँ कि अगर ये कैब मैन जो है ये अगर ये पुलिस वाला होता तो लुटकिन को अरेस्ट भी करता बड़ा दुखी होके और उसको जेल में डालता बहुत दुखी होके और पश्चाताप करता है कि क्यों मैंने पकड़ा इतने सभ्य और बड़े आदमी को। सो इस टाइप का इतना आदर है इसके दिल में लुटकिन के लिए। बिल लेड मी इनटू फ्रिज, बिल मेरे को फ्रिज तक ले गया और शॉप तक। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन अराउंड टुडे, फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। सो एक बिल का कोई दोस्त उसकी ओर देख रहा है और वो आगे है और ये पीछे बैठा हुआ उससे थोड़ा सा कि सामने ना आए। सो एक फ्रेंड इसकी ओर देख रहा है, सो ये लॉयर देख रहे हैं कि उसका फ्रेंड इसके नज़र की तरफ देख रहा है और इन्होंने उनसे पूछा है कि क्या तुमने हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन अराउंड टुडे, आज तुमने इधर आसपास में कहीं लुटकिन को देखा है। फ्रिज लुक्ड एट मी, उस फ्रिज मेरे को देखता है, हाइडिंग बिहाइंड बिल, जो मैं बिल के पीछे छुपा हुआ सा हूँ। ही हेजिटेटेड, थोड़ा सा वो हेजिटेट फील करता है जो फ्रिज है जिससे उन्होंने पूछा है, एंड देन एडमिटेड, और फिर स्वीकार करता है, येस ही वाज इन हेयर अ लिटिल व्हाइल एगो, यहाँ थोड़ी देर पहले वो था यहाँ पे अंदर दुकान में, ही वाज इन है अंदर था, गेस ही इज ही हैज गोन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट ए सेव। गुस्ताफ कोई सेविंग का दुकान है तो कह रहे हैं कि गेस करता हूँ कि वो वहाँ गया है गुस्ताफ के यहाँ सेव करवाना है, सो अभी अभी गया है यहाँ से निकला है। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, तो फिर ये जो ड्राइवर है कैब ड्राइवर बोलेंगे या जो हैक ड्राइवर है, इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो आता है अंदर दुकान में तो बोल देना मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बारबर शॉप, फिर मैं बारबर शॉप गुस्ताफ का बारबर शॉप तक हम लोग पहुँच गए दोनों लेके। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, फिर यहाँ भी वही हुआ, बिल अंदर गया पहले और फिर मैं डोर पर ही मतलब अटक गया छुप गया या वहीं पे लिंगर्ड मतलब होते हैं एक तरह से स्टिक हो जाना कहीं पर टिक जाना। सो ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीडी बट टू कस्टमर इफ दे हैड सीन लुटकिन। सो यहाँ पे स्वीडी वर्ड यूज हुआ है, स्वीडन का रहने वाला, और सेंड ये गुस्ताफ जो हैं जो शॉप के ऑनर हैं वो स्वीडन के हैं, तो इसलिए यहाँ पे गुस्ताफ या बारबर शब्द ने यूज करके द स्वीडी यूज किया गया है। तो कन्फ्यूजन कह रहे कि ही आस्क नॉट ओनली द स्वीडी, उन्होंने सिर्फ उस दुकानदार से ही नहीं पूछा बट टू कस्टमर, दो कस्टमर जो थे जो सेव वे बनाने थे उनसे भी पूछा इफ दे हैड सीन लुटकिन कि कहीं वो तीनों में से किसी ने लुटकिन को देखा हो। द स्वीडी हैड नॉट, दुकानदार जो था द स्वीडी गुस्ताफ उसने तो नहीं देखा। ही सेड एंग्रीली, बड़े गुस्से में उस दुकानदार ने उल्टे बोला, आई हैवेंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, मैंने उसे देखा नहीं और मैं उसको देखना भी नहीं चाहता, उसकी परवाह भी नहीं। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, और अगर तुम्हें मिलता है वो लुटकिन
तो उसने मेरे $35 कर्ज है उसके ऊपर, वो मेरे लिए जरूर वसूल लेना बोल के कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। सो वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिन वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। और उस दो बाकी के जो दो कस्टमर थे उनमें से एक ने बोला कि उसने संभवतः लुटकिन को देखा है इधर इस स्ट्रीट में जाते हुए दिस साइड ऑफ द होटल, मतलब होटल के इस साइड बाएं या दाएं किसी ने उसने पॉइंट आउट किया कि इधर उसने जाते हुए देखा है, उसमें से एक उनको बताता है। सो एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैक, फिर हम दोनों जब वापस हैक पे आके बैठ गए, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिन हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स ही हैड प्रोबेबली गोन टू ग्रेस फॉर ए सेव। सो फिर वो वापस आके बिल मतलब कंक्लूडेड मतलब इस नतीजे पे आता है या ये तय करता है कि चूंकि लुटकिन हैज एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ, ये लुटकिन इसका मतलब गुस्ताफ के यहाँ बहुत सालों से दाढ़ी बनाते बनाते अपनी क्रेडिट लिमिट खत्म कर दिया, पता $35 हो गया है तो अब तो वो फ्री में बनाएगा नहीं, और ये पैसे जब तक देता नहीं तो अब सेव करने के लिए उस दुकान में, जनरली आप देखते हैं जो उधार काम करने वाले होते हैं एक लिमिट तक कहीं से उधार लेते हैं और जब पैसे उनको नहीं देते हैं तो वो दुकान छोड़ देते हैं किसी दूसरे दुकान को अपना लेते हैं। तो ये लुटकिन के लिए ये गेस कर रहे हैं हैक ड्राइवर कि ऐसा ही हुआ होगा कि गुस्ताफ का क्रेडिट लिमिट तो खत्म हो गया तो ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर ए शॉप, दूसरा बार शॉप है ग्रेस का, तो अब वो लगता है कि आसपास में वो ग्रे के दुकान में गया होगा अपने सेब बनाने के लिए पक्का। सो एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिन बाय ओनली 5 मिनट, और फिर हम पहुंचे ग्रे के बार्बर शॉप पे, वहाँ भी पता चला कि 5 मिनट पहले वो यही था, निकल गया, ही हैड जस्ट लेफ्ट अभी प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, और शायद उन्होंने बोल दिया था कि पूल रूम के तरफ, पूल रूम कोई गेम वेम खेलने वाला कोई होता है जगह जहाँ पे गेम खेलते हैं और कुछ कुछ वहाँ पे खाने पीने की भी वस्तु शायद मिलती है। सो एट द पूल रूम इट अपीयर दैट ही हैड जस्ट बॉट ए पैक ऑफ सिगरेट एंड गोन आउट, और फिर जब हम लोग पूल रूम पहुँचे तो वहाँ पता चला कि उसने यहाँ पे सिर्फ एक सिगरेट खरीदा और तुरंत यहाँ से निकल लिया था। सो वी परसुइड हिम, तो अब हम लोग उसके पीछे पीछे लगे रह गए जहाँ के लिए, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, ठीक उनके पीछे था पर कभी वो न दिखा न पकड़ा गया, जहाँ भी जाता बोलता बस अभी 2 मिनट पहले यहाँ से निकला है। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, घंटे भर तक उसके पीछे लगे रहे जब तक 1 बज गया दोपहर का। आई वॉज हंग्री, मैं भूख लग गया था, भूखा था, बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिन और नॉट। कह रहे मैं भूखा तो था पर मुझे इतना मजा आ रहा था इसके साथ, वो हैक ड्राइवर के साथ, और रफ कंट्री ओपिनियन, रफ मतलब रफ यू नो रफ थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ना हो, इनडिसिप्लिन, और ये देहाती जो विचार हैं लोगों का, यहाँ गया वो वहाँ गया, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सो इसमें इतना खोया हुआ था और उसके आस पड़ोस में कि मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मैं लुटकिन ढूंढना ही है, मुझे मिलेगा ही या नहीं मिलेगा, इस टाइप की कोई टेंशन नहीं थी, बस मैं मजा ले रहा था उसके साथ। तो इस तरह ये पेज 3 ख़त्म होता है। तो यहाँ तक एक बार चेक करते हैं आपने क्या समझा, यहाँ तक का ये है कि वो कैब ड्राइवर उसको लेके अलग अलग जगह पे पहुंच रहा है, फ्रिज की दुकान से लेके धीरे धीरे वो पहुंच गया अभी किसी बार्बर, 2 बार्बर के शॉप पहुंच गया, फिर कोई इसी पुल पे, जहाँ जहाँ वो गया वो उसके पीछे पीछे जा रहा है और हर जगह उनको पता चलता है अभी अभी निकला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे जाके बहुत ही बड़ा एक सीक्रेट आपको पता चलने वाला है, सीक्रेट उसको बोलेंगे कि पता चलने वाला है कि ये लुटकिन जो है सो वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट, और उसकी स्मार्टनेस आपकी कहानी के एंड में पता चलेगा। मैं भी अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा ताकि आप कहानी को थोड़े से दिलचस्पी के साथ पढ़ सुने। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट पेज। सो पेज 4, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, तो मुझे भूख लगा था तो मैंने पूछा कुछ खाया जाए। मैंने सजेस्ट की लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट एंड आई शैल बाय यू लंच। कह रहे हैं चलो लंच एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ।
मतलब मैं भी खाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं खाऊंगा और तू बाहर बैठा रहेगा, लंच में चलते हैं, दोनों ही खाना खाते हैं। इस टाइप का उन्होंने अपना प्रपोजल रखा। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ। फिर उसने कहा कि ठीक है, पर मैं अपने वाइफ के पास जाना चाहिए, अपने घर। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरों, कहना कि मुझे इन रेस्टोरों में इतनी दिलचस्पी नहीं है या मैं लाइक नहीं करता। ओनली फोर ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड, चार ही हैं और चारों के चारों बैड ही हैं, अच्छा नहीं है। सो टेल यू व्हाट वी विल डू, वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस। सो मैं तुम्हें बता दूं मैं क्या करूंगा, मैं अपने वाइफ से तुम्हारे लिए लंच पैक करवा लूंगा। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन हाफ ए डॉलर, और वो आधा डॉलर से ज्यादा पैसे नहीं लेगी तुम्हारे लंच के लिए। डिस्टर्ब, तो उन्होंने ऑफर किया, वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, सो हमारे लिए लंच वो पैक कर देगी और वो हाफ डॉलर से ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेंगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीजी मील इन ए रेस्टोरेंट, और अगर तुम रेस्टोरेंट में जाते हो इसी खाने के लिए तो वो ज़्यादा कीमती पड़ेगा, वो ग्रीजी चिपचिपा सा और क्या क्या लगा हुआ होता है, तेलिए मतलब बहुत ज़्यादा तेल टाइप का जो खाना रेस्टोरेंट में होता है, और वो महंगा भी पड़ेगा। एंड वी शैल गो अप टू वेड्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू व्हाइल वी ईट, और फिर हम वो खाना लेके चले जाएंगे वेड के हिल। वेड कोई पहाड़ी है, छोटा सा पहाड़, उसकी चोटी पे, हिल पे, टॉप पे, और वहाँ पे जब खाना खाते रहेंगे तो वहाँ का व्यू का एन्जॉय लेंगे, नज़ारा वहाँ का देखेंगे। सो इसने इन्होंने ये ऑफर किया इनको। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फिलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट इंटायरली ए मैटर ऑफ ब्रदरली लव। मैं जानता था कि बिल्स का ये हेल्पफुलनेस, मतलब ये मददगार रूप, मदद करने वाली जो ये मैनर है इस यंग फिलो का जो अभी अभी शहर से आया था, वो पूरी तरफ से सिर्फ भाईचारे का प्यार नहीं था, बिजनेस जरूर था इसमें। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उनका जो हर एक मिनट का पैसा देता था, घंटे का $2, इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, और आखिर में इनको 6 घंटे के लिए मैंने पैसे दी, इंक्लूडिंग द लंच आवर, लंच के टाइम में कि हम जो लंच लिए पहाड़ पे गए वहाँ बैठ के जब तक खाए नज़ारा देखा, उन सब के पेमेंट मैंने इनको किए। एट व्हाट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस, और इस ये जो है सो फिर कीमत थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है जब आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बैठ के लंच कर रहे हैं, उसके भी पेमेंट कर रहे हैं। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो मैं उससे ज़्यादा ही डिसऑनेस्ट हूँ। क्यों? आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, ये सारे पैसे तो मैंने उस फर्म से ले लेने जहाँ के लिए से मैं आया हूँ। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, जबकि बिल को पेमेंट तो मुझे अपने जेब से देना चाहिए था क्योंकि मैं उसका हेल्प ले रहा हूँ और मैं मज़े ले रहा हूँ उसके साथ घूमने का, तो ये पैसे जो मुझे देने थे वो भी मैं सारा एक साथ ही चार्ज करने वाला हूँ फर्म से। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो बिल को दूंगा वो एक्चुअली मेरे से ज्यादती नहीं कर रहा है, मैं अपने फर्म से ज्यादती कर रहा हूँ। सो खुद ये महसूस कर रहा है, सो ये अपने इनोसेंस भी शो कर रहा है नरेटर कि वो कितने इनोसेंस हैं। ही चेयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सीक ऑफ द सिटी। सो कह रही है ये कंट्री विजडम, ये देहाती जो ज्ञान है, और वो प्रसन्न बिल्कुल खुश, वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, मतलब इतना रिफ्रेशिंग था कि मतलब जिससे भी मिलूँ तबीयत खुश हो जाता है बिल्कुल, और वो भी खास करके टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हुआ सीक ऑफ द सी। मैं भी, ये जो नैरेटर हैं ये भी हैं गांव देहात के ही, पर रहते हैं शहर में, सो सीख हैं एक तरह से, सीक ऑफ द सिटी मतलब परेशान शहर ही। सो मेरे जैसे आदमियों के लिए गांव में इस तरह घूमना और इस तरह प्रसन्न लोगों से मिलना बहुत ही रिफ्रेशिंग है। सो ये नैरेटर का एक्सपीरियंस है गांव में। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर एंड क्रीक व्हिच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज ही टॉक्ड ऑफ न्यू म्यूलियन एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट।
सो जब जिस समय हम हिल टॉप पे बैठे थे, लंच कर रहे थे और दूर दराज के नज़ारे को पास्चर मतलब होते हैं चारा का फील्ड, हरी हरी घास वाला बहुत लंबा फील्ड, एंड क्रीक मतलब स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियां जो पैरों के बीच से गुजर रही थी, बह रही थी, जब तक ये सब देख रहे थे तो वो जो हैक ड्राइवर है टॉक ऑफ न्यू मिलियन, इस न्यू मिलियन जिस जगह पे आया है उस गांव का हर चीज़ कहानी में इनको बता रहा है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, महिलाएं कैसे हैं, हर व्यक्ति के बारे में। सो पेंटेड ए पिक्चर, मतलब बातों में ही समझिए कि एक पूरी पिक्चर बना दी, पूरा सब कुछ विजुलाइज करवा दिया, ऐसे जैसे आप उससे सुन के ही समझो कि सारे गाँव का हर चीज़ समझ लिया। सो वर्ड ऑफ ऑल द पीपल इन इट, इनके अंदर जो भी रहते सब के बारे में, ही नोटिस्ड एवरी थिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल। सो उन्होंने हर चीज़ नोटिस कर रखा था उस गांव के बारे में, हर चीज़, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बोलते बोलते कितना हंसता है लोगों के ऊपर, मतलब सबके ऊपर वो कुछ ना कुछ कमेंट करता है और हंसता है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, वो अपनी बेवकूफ़ी भी जानता है कैब ड्राइवर जो है ये हैकर, और उसको माफ भी करता है। ही अंडरस्टूड एंड फॉरगिव, अपने आप अपनी बेवकूफ़ी की, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं भी यहाँ बेवकूफ़ बनता हूँ, मैं यहाँ ठुकता हूँ, अपना समय बर्बाद करता हूँ, और फिर अपने आप को माफ भी करता है, ये भी नहीं कि मैं गिल्टी हूँ। सो मतलब काफ़ी इनोसेंट पीपल है। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सेंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट। सो वो बताता है इसको कि मंत्रियों की जो पत्नियां होती हैं, जब उन पे बहुत ज़्यादा लोन होता है तो चर्च में जाकर खूब जोर जोर से प्रार्थना करती है। सो इस टाइप के हर किसी पे वो कमेंट कर रहा है और इनको बता रहे हैं। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ, फिर उन्होंने स्टूडेंट पे बताया कि जो गांव से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और जब वापस आते हैं बिल्कुल फैंसी टिप टॉप ड्रेस में आते हैं, उन पे भी इनका कमेंट है। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ ए कॉलर एंड ए टाई ऑन द सेम डे, फिर वो लॉयर की पत्नियों की बात करते हैं या फिर लॉयर के बेढंगेपन की बात करते हैं कि जिनकी पत्नियां अपने वकील को टाई और कॉलर पहनना एक दिन में नहीं सिखा पाई। सो सब पे इनका कमेंट है। ही मेड देम ऑल लाइव, मतलब हर किसी को जिंदा कर दिया सिर्फ बातों से, और या फिर ये समझिए कि लाइव जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है ना आंखों के सामने गुजरना, इस टाइप का सब कुछ ऐसे कर दिया जैसे मैं आंखों के सामने कोई पिक्चर देख रहा हूँ। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। सो उस दिन इन सारी बातों से मुझे लगा कि मैं जिस शहर में रहता हूँ उसको इतना नहीं जानता हूँ जिससे ज़्यादा मैं अब इस गाँव के बारे में जान गया हूँ इनके थ्रू, और ये जो है सो इस गांव में अब मैं से मेरा लव हो गया, मतलब इफेक्ट हो गया और ये गांव मुझे अच्छा लगने लगा अपेक्षा। सो आई लव इट बेटर इस गांव में। नाउ बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, कह रहे ये जो बिल है हैक ड्राइवर कह रहे कॉलेज और सिटी के बारे में तो इसको नहीं कुछ पता, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, पर ये बहुत सारे गांव देहातों में खूब घुमा हुआ है, एंड हैड हैड ए लॉट ऑफ जॉब, और फिर बहुत सारे काम भी है इसके पास, जो जब सामने आता है कुछ भी करता है। फ्रॉम हीज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफर। सो इसके जो ये एडवेंचर हैं, ये हर काम में हर काम आना करना और जहाँ तहाँ गांव में अलग अलग सबको जानना पहचाना, इन से इनको आया है ब्रॉडबैक, मतलब एक तरह से अचीव किया है फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफर, मतलब एक ऐसा फिलॉसफी जो इसमें सिंप्लिसिटी लाता है, मतलब इतना सिंपल इंसान बना दिया हमेशा प्रसन्न, एंड लाफर और हंसमुख हमेशा हंसते रहने वाला। ही स्ट्रेंथेंड मी, और उसका ये स्वभाव मेरे को अंदर से स्ट्रेंथ बना करता है। We left that peaceful scene of meadows and woods. So, हम वहाँ से निकल लिए, वो जो शांत जगह था meadow and woods, समझे झाड़ी और वो जो woods लकड़ी जंगल टाइप का जो भी है पहाड़ का जो सीन होता है, सो उस जगह को हम लोग छोड़ चुके, and resumed our search of Oliver Lutkins, और शुरू हो गए फिर Oliver Lutkins की तलाश। We could not find him, मिला नहीं हमें वो। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड
ए फ्रेंड ऑफ लुटकिन एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ट ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। फिर आखिर में बिल ने किसी आदमी को लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिन लुटकिन के किसी दोस्त को कोने में ले जाके फुसफुसा के उससे बात करता है जो किसी दूसरे को ना पता चले और उस वो आदमी मानता है कि इनको बताता है कि लुटकिन जो है सो शायद अपने माँ के घर माँ के पास चला गया है। सो व्हाट ही गेस्ट जो वो एक तरह से गेस करता है ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म मतलब 3 miles नॉर्थ जो 3 miles नॉर्थ उत्तर में यहाँ से उसके माँ का घर तो वो अपने माँ के पास शायद मिलने गया है। तो इस टाइप का ये नैरेटर जो हैं खड़े होकर नोटिस करते हैं कि ये लुटकिन किसी आदमी से मिला है और उन्होंने इनको बताया कि लुटकिन अपने माँ के पास गया हुआ। पर ये कभी भी जब भी ये जो हैक ड्राइवर है जब दूसरे से बात करते हैं तो ये कभी भी फ्रंट में नहीं होते हैं ये हैक ड्राइवर के पीछे ही होते हैं। तो ये सामने वाले को तो देखते हैं लुटकिन का फेस नहीं देखते हैं कि ये बीच में क्या खेल खेल रहे हैं। नाउ वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान फिर हम लोग उनके माँ के घर चल दिए वहाँ पे और प्लान ले करना मतलब अब प्लान भी बना रहे हैं कि कैसे कैसे वहाँ पहुँचना है और क्या करना नहीं करना है। सो प्लान बनाते हुए उनके माँ के घर चल दिए जो 3 miles उत्तर की तरफ हमें जाना है। इस तरह ये पेज चौथा फिनिश होता है। नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले एक बार फिर यहाँ चेक कर लेते हैं कि अभी तक क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो लंच भूख लगता है बंदे को सो भूख की उन्होंने ऑफर किया कि चलो हम आपको होटल में खिलाते हैं। हैक ड्राइवर ने बोला नहीं होटल में कहीं भी जाएंगे अच्छा खाना भी नहीं मिलेंगे और पैसे भी आपके ज़्यादा लग जाएंगे तो मैं अपने वाइफ से मतलब अपना खाना भी बेच लिया। इस तरह से जाहिर है उनको भी फायदा हुआ इनको भी फायदा हुआ। अभी नैरेटर कहते हैं कि ये बिजनेस तो कर रहा है पर बड़ी ईमानदारी से कर रहा है ऐसा भी नहीं कि सब कुछ ले लें और हेल्प भी कर रहा है तो नैरेटर को बुरा भी नहीं लग रहा है और वो सब कुछ पे कर रहा है मतलब लंच खरीदी और ये लंच करने के लिए जो समय गंवाया हिल टॉप पर ले जाके वहाँ घंटा डेढ़ घंटा जो भी बैठा देखा बातें की पूरे गाँव की कहानी के उन सब के चार्ज ले लिए उन्होंने है ना। वो पूरे गांव की कहानी इनको बताया ये कहानी में डूब गए और उन टाइम का ये $2 प्रति घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट भी करता है। तो इस तरह से ये जो हैक ड्राइवर है वो अपनी अर्निंग कैसे एक नौसिखिया जान के कर रहे हैं और आगे देखते हैं ये कहानी कहाँ टर्न लेता है। अब ये दोनों निकल लिए उनको सोच में उनके माँ के घर जो हम अगले पेज में पता चलेंगे कि वहां क्या होता है। नाउ फिफ्थ पेज आई नो ओलिवर्स मदर वो हैक ड्राइवर कहता है मैं ओलिवर की माँ को भी जानता हूँ उनको जानता हूँ सी इज टेरर मतलब वो एक तरह से टेरर समझते हो ना डर वो खुद ही डर है। बिल साइड बड़ा आ भरता है बिल उनका नाम लेके आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स कह रहे हैं एक बार मुझे उनके लिए उनके घर से एक बक्सा ट्रंक बड़ा बक्सा होता है उसको निकालना था जिसके लिए उसकी माँ लगभग मेरा खाल उतार दी थी क्योंकि उस बक्से को मैंने ऐसे नहीं निकाल के बाहर रखा जैसे उसमें अंडा भरा हुआ हो सो थोड़ा सा शायद जोर से या रख दिया होगा या पटक के इसके लिए उसकी माँ ने उनका लगभग खाल उधेर दिया था। सो सी इज अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थीक एंड क्विक एज ए कैट सो इस तरह उसकी माँ को थोड़ा सा उसको इसको कहते हैं हाइपरबोल किसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलने वाला और होगी भी है भी सो कह रहे हैं वो 9 feet लंबी है जबकि जनरल इंसान 9 feet हो ही नहीं सकते एंड 4 feet थीक 4 feet चौड़ी है मोटी है और इतनी तेज जितनी कैट फुर्तीली एंड सी श्योर कैन टॉक आई शैल बेट ओलिवर हर्ड दैट somebody is chasing him और कह रहे हैं और वो आश्वस्त है वो बात कर सकती है और मैं ये शर्त लगा सकता हूँ आई शैल बेट या मैं शर्त लगाऊंगा ओलिवर हर्ड दैट somebody is chasing him ओलिवर को पता लग गया कि कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको ढूंढ रहा है एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट और ये इसीलिए माँ के पास पहुँच गया कि वो माँ के पीछे छुप जाए या उनके आंचल में जाके छुप जाए
वेल वी विल ट्राई हर, चलो ठीक है फिर भी हम उसे भी ट्राई करेंगे, उनकी माँ को भी ट्राई करेंगे, चाहे बेशक इतनी वो है खूंखार या डरावनी, फिर भी जाऊँगा मैं उसको ढूंढने के लिए उसके तक। सो बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, और अच्छा रहेगा कि तुम मुझे करने देना, तुम मत आना, बहुत खूंखार है। बॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। कह रहे हैं हो सकता है तुम लिटरेचर और कानून में तुम बिल्कुल ग्रेट होगे, बहुत पढ़ लिख लिखा होगा, पर तुम्हें इन ये वास्तविक ट्रेनिंग नहीं होगी कैसे स्वेयरिंग करते हैं। स्वेयरिंग मतलब ऐसे होता है कसम खाना या बातों को घुमाना या किस तरह से हैंडल करना। सो ये सब तुम्हें नहीं पता पड़ना होगा। वी ड्रोव इन टू ए पुअर फार्म यार्ड, वी वेयर फेस्ड बाई एन इनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वूमैन। सो हम पहुंच गए एक पुअर फार्म यार्ड, फार्म यार्ड मतलब खेत जैसा बिल्कुल मैदान, यार्ड फार्म लैंड जो घेर के रहता है, उस बीच में कहीं एक घर बना के रखते हैं, पूरा फार्म फार्म ही होते हैं खेत खेत। सो पुअर मीन्स थोड़ा सा बेचारगी वाली हालत में, बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ा नहीं सब कुछ। वी वेयर फेस्ड बाई एन इनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वूमैन, मतलब एक इनॉर्मस काफ़ी विशाल का एक महिला और चेयरफुल प्रसन्न, जबकि ये कह रही थी टेरर बाय द वे। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, सो मेरा जो ये गाइड किसको बोला, ये हैकमैन को, कह रहे हैं कि बड़े बहादुरी से ऊपर गया उनके पास और मुझे छोड़ गया यहीं कैब पे। रिमेंबर मी आई एम बिल मैग्नूसन, और उसको जो वो बताता है उस महिला को कि रिमेंबर मुझे याद करिए, मैं बिल मैग्नूसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन, मतलब वो कार्टर हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके बेटे ओलिवर को ढूंढने आया हूँ या उनसे मिलने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, सी शॉटेड, वो चिल्ला के कहती मुझे नहीं कुछ भी पता ओलिवर के बारे में और मुझे कुछ पता भी नहीं करना उसके बारे में। नाउ लुक हियर वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस। अब ये आदमी हैकर उसको उसकी माँ को कहता है कि मेरी तरफ देखो, वी हैव हैड जस्ट एनफ नॉनसेंस, कह रहे हैं हमने सारी बेवकूफियाँ कर ली उसके पीछे भटक भटक के। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, फिर वो दिखाता है कैब पे बैठा हुआ नैरेटर की तरफ कि ये जो है सो सिटी से आ रहा हुआ है, किसी कोर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोर्ट ने इनको भेजा है। एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टी फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, और हमारे पास कानूनी अधिकार है कि ओलिवर लुटकिंस के सारे प्रॉपर्टी को या घर घर में हर जगह सर्च करते हैं, मतलब सर्च वारंट है, उनको मैं सर्च कर सकता हूँ। सो जानबूझ के इन्होंने उसकी माँ को उकसा दिया कुछ ऐसी बातें बोल के जो नहीं था। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वोमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और फिर उनका ये कहना कि हम कोर्ट के रिप्रेजेंट हैं और मेरे पास सर्च वारंट है, उन्होंने मतलब ये नैरेटर को थोड़ा सा बढ़ा दिया वजन। सो ये साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे हमें महत्वपूर्ण बना दिया, और महिला भी उनके बात सुन के चुपचाप चली गई, सी रिटायर्ड इन टू द किचन, किचन के तरफ, तो लगा कि वो भी इम्प्रेस हो गई, जैसे डर सी गई या फिर उन पर प्रभाव पड़ा इनके कहने से। एंड वी फॉलोड, फिर मैं भी उतर के उनके पीछे पीछे उनके साथ चला गया। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशनड स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अ शॉर्टिंग, उन्होंने एक चूल्हे से लाल धधकती हुई लोहा निकाला और चिल्लाते हुए हम दोनों के पीछे शॉर्टिंग एट भागी। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, कह रहे हैं कि ढूंढ ले तू जहाँ भी ढूंढना है, इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बॉर्न फर्स्ट, अगर तुमको जलने का डर नहीं है तो, मतलब वो कह रहे हैं कि अब ढूंढ के दिखा, इस टाइप के सेंस में लोहे का जलता हुआ। और सी शॉटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और वो चिल्ला भी रही थी और हंस भी रही थी जब हम लोग उसको देख के डरे और डर कर भागे अपने उसके हैक के तरफ। सो उसे हंसी भी आ गई थी उस महिला को। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर सी विल मर्डर अस, बिल व्हिस्पर्ड, फिर बुल फुसफुसा कहते हैं कि चलो चलो यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये हम लोगों को मर्डर कर देगा कर देगी। आउटसाइड ही सेड, और बाहर जाके वो कहता है डिड यू सी हर स्माइल, सी वाज लाफिंग एट अस, तुमने उसको उन्हें हंसते हुए देखा ना, वो हम पर हंस रही थी। आई एग्री दैट इट वाज प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल था, अपमानजनक व्यवहार था इस तरह से। वी डिड however सर्च द हाउस, लेकिन फिर भी हमने उस घर को सर्च किया,
कैसे किया? सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि ये एक मंजिला ही मकान था, बिल वेंट राउंड इट, वो पीछे से घूम के गया, पियरिंग इन एट ऑल द विंडो, सो पियरिंग इन, अंदर झांक झांक के हर खिड़की से देखा शाहरुख को, वी एग्जामिन द बार्न एंड एस्टबल, सो बार्न जो घेरा फेंस होता है उनको भी देख लिया, एस्टबल जो घोड़े के थे उनको भी देख लिया, वी वे रीजनेबल सर्टेन दैट लुटकिन्स वॉज नॉट देयर, सो पक्का हो गया कि लुटकिन वहाँ पर नहीं था, इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, अब मेरा टाइम भी हो गया था स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने का और बिल हमें ले जाके ट्रेन पे स्टेशन पे छोड़ दिया, सो बिल ने इनको पूरा घुमा फिरा के इनको वापस ट्रेन का टाइम पढ़ा के पूरा प्लान करके इनको ट्रेन पे बिठाने स्टेशन तक पहुंच गया। नाउ ऑन द वे टू द सिटी आई वॉरीड वेरी लिटिल अबाउट माई फेलियर टू फाइंड लुटकिन, और जब मैं ट्रेन में था सिटी की तरफ जब जा रहा था तो रास्ते में मैं बिल्कुल निराश नहीं था कि मैं लुटकिन को ढूंढने में असफल नहीं मिला, आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूसन, मैं बिल मैग्नूसन के बारे में सोचने में व्यस्त था, रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और वास्तव में एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं शहर जाके तुरंत से तुरंत इसी गाँव आ जाऊँगा वापस, यहीं पर अपना लॉ की प्रैक्टिस करूँगा, मैं इस सोच में अपना अगला का फ्यूचर प्लानिंग में लग गया, इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज एंड गुस्ताफ एंड ए हंड्रेड अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, सो अगर ये बिल जैसा इतना डीप और रिच ह्यूमन मतलब काफ़ी मानवता भरा हुआ उदार व्यक्ति मतलब जेनरस पीपल, अगर इस तरह का आदमी नहीं मिला होता तो मैं फ्रिज जो दुकान फ्रिज का दुकान था गुस्ताफ था ग्रे था और सैकड़ों ऐसे स्लो स्पोकन मतलब सिंपल स्पोकन मीठा बोलने वाले आदमियों से जो मैं मिला इतनी भी है इन लोगों से मैं सिंपल नहीं मिला होता और ये वाइज नेबर्स थे जो इतने ज्ञानी सारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से, सो मेरे को बहुत बढ़िया आदमी मिल गया, लगभग गांव में सबसे मिलवा दिया और बहुत बड़ा अनुभव करवा दिया, इस टाइप का ये सोचते हुए रास्ते में जा रहे हैं। आई पिक्चर्ड एंड ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फॉर्म, फिर मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनने लगा एक ईमानदार और हैप्पी लाइफ खुश जीवन जो यूनिवर्सिटी और लॉ फॉर्म मतलब जो पढ़ रहा था तब यूनिवर्सिटी में भी और अब जो लॉ फॉर्म में काज कर रहे फॉर्म में उसमें भी काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम है ना, इतने बजे आओ ये मत करो ये लंच का टाइम है ये उठने का ये बैठने का, तो ये जो स्ट्रिक्ट कानून है उन सब से पड़े बिल्कुल खुश लैब किसी गांव में अपना प्रैक्टिस इस ख्वाब में ये खो गए। आई वॉज एक्साइटेड काफ़ी उत्साहित थे कि वापस जाते ही शहर से ये वापस आने वाले गांव में, आई हैड फाउंड ए ट्रेजर जैसे मुझे लगा कि कोई खजाना मिल गया हो ये गांव का एक नया फ्यूचर, आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ और मैं जिंदगी का एक नया तरीका लगभग ढूंढ लिया हूँ खोज लिया हूँ कि यहाँ आके मैं प्रैक्टिस करूँगा, इस टाइप की खोज में जा रहे हैं। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिन द ऑफिस डिड, सो कह रहे हैं कि मैं लुटकिन के बारे में ज्यादा बेशक नहीं सोचता था पर ऑफिस वही सिर्फ सोच रहा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट जब मैं वहां पहुंचा और जो ही उनको बताया कि लुटकिन नहीं मिला सब के सब अपसेट थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह वो केस जो है सो कोर्ट में आने वाला था एंड दे हैड टू हैव लुटकिन और उनको किसी भी हाल में लुटकिन चाहिए। आई वॉज ए शेमफुल यूजलेस फूल, सो मुझे ये बताया गया कि मैं बिल्कुल बेशरम और यूजलेस थिंग हूँ, एक बेकूफ हूँ एक मूर्ख हूँ किसी काम का नहीं हूँ। सो यहाँ पे पेज खत्म होता है 5, यहाँ एक बार देख लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँची है। यहाँ शुरू हो रहे थे इस पेज में कि उनके मदर के पास तक पहुँचा, मदर ने कैसे ट्रीट किया, जो भी हुआ इनके बीच की कहानी, मदर इनको खदेड़ डाला फिर ये वहाँ से वापस आए, तब तक इनको गाड़ी का टाइम हो गया, अब ये गाड़ी से वापस शहर की तरफ जा रहे हैं, लुटकिन इनको मिला नहीं, सम्मन इनके जेब में ही हैं और रास्ते में ये अपने फ्यूचर के बारे में कि वापस ही आके यहाँ अपनी प्रैक्टिस करेंगे इनके बारे में इनको कोई सुध नहीं है कि किस काम से आए थे वो काम हुआ या नहीं हुआ ये
उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, अभी अपने फ्यूचर में खुशियों में भरे हुए हैं कि क्या शानदार लाइफ होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये जो अब तक ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लॉ फर्म के जो बंदिशें थी दिमाग में, अब जब अपना बिजनेस होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आज़ादी होगी, खुशियाँ होंगी, सो इस ख्वाब में है। लेकिन इसी ख्वाब में जो ही वो ऑफिस पहुँचते हैं और बताते हैं कि वो लोग लुटकिंस नहीं ढूंढ पाए, बस ये सारी चिंता जो इन्हें करने चाहिए थे, ऑफिस के हर एक लोग चिंतित थे कि लुटकिन हर हाल में चाहिए, कल सुबह ही वो केस आने वाला है, उनकी सुनवाई होने वाली है। आइए अब आखिरी पेज में देखते हैं निष्कर्ष क्या होता है। तो अब सिक्स्थ पेज स्टार्ट करते हैं। दैट मॉर्निंग माय प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। उस सुबह, अगली सुबह, जो मेरा ये लीगल कैरियर प्रॉमिसिंग, मतलब जो इतना भरोसेमंद मेरे लिए था, वो लगभग शुरू होने से पहले ख़त्म के कगार पे आ गया। शुरू इसलिए नहीं कि अभी तो प्रैक्टिस में ही चल रहे हैं, अभी वो कैरियर की जो सपने थे वो लीगल प्रैक्टिस का उस लेवल पर तो अभी आए नहीं, अभी तो चिट्ठियाँ ही बांट रहे हैं, और वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म, ऐसा इनको महसूस हुआ। हुआ क्या, द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। जो चीफ थे वहाँ का हेड बॉस, वो तो कह रहे हैं कि लगभग मेरे को मार ही डाले। He hinted that I might do well at digging ditches. उन्होंने मेरे को बोला कि तू सिर्फ ना जाके जमीन खोद, किसी नहर वहर बना, कोई नाला वाला खोदो, तुम इसी लायक हो। I was ordered back to New Million. फिर मेरे को बोला कि अब भी इसी वक्त दोबारा मिलियन जाओ, मिलियन न्यू मिलियन जहाँ से आए उसी आदमी लुटकिन के लिए। And with me went a man who had worked with लुटकिन। और इस बार मेरे साथ एक आदमी भेजा गया जो कभी लुटकिन के साथ काम किया हुआ था। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल। सो वो आदमी जो लुटकिन के साथ काम किया हुआ था, सो वो लुटकिन को जानता, वो मेरे साथ भेज दिया था, तो वो सुन के मेरे को दुख हुआ, क्योंकि इस बार मैं उतनी आज़ादी से लोफिंग, मतलब इधर उधर भटक नहीं सकता बिल के साथ दोबारा से, जैसे वो भटक के कल आया था, तो वो आज़ादी नहीं रहेगी। ऑफिस का एक आदमी साथ में है तो वो मज़ा नहीं आएगा, इस बात का मुझे दुख था। न्यू मिलियन जाने का तो मुझे खुशी हुई थी वैसे। सो व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, बिल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट। सो जब हम न्यू मिलियन पहुंचे, ट्रेन वहां पे रुकी और हम लोग जो ही ट्रेन से उतरे तो बिल वहीं स्टेशन पे था और नियर हिज कार्ट, उसका कार्ट भी बगल में, दोनों वहीं थे। स्ट्रेंजली इनफ That old tigress, और strange, अजीब सी बात थी कि वो बुजुर्ग जो tigress, Lutkin's mother was there, talking and laughing with Bill. और ये tigress उस lady को, Lutkin's के mother के लिए ये word use किया, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ी सी भारी भरकम थी और ख़ास करके वो hack driver ने tigress बना दिया था कि वो इस तरह के खतरनाक हैं, तो इस तरह से नरेटर उनको टैग्रेस करते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हैं। तो कह रहे ये एक अजीब सी बात थी कि वो इनके साथ और वो भी हंस हंस के बात कर रहे हैं, नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, और कोई झगड़ा नहीं हो रहा, जबकि कल ही उनके सामने से वो रॉड लेके भाग रहे थे और उससे हम लोग जान बचा के भागे हैं। इस टाइप का सुबह से अभी कोई हाव भाव उनको नहीं देखा। From the train step, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man." So, जो ही ट्रेन से नीचे मैं उतरा, मैंने पॉइंट आउट किया अपने दोस्त को, दिखाया कि ये है एक बहुत ही शानदार आदमी, बहुत ही रियल मैन, ये है असली। I spent the day with him. कल का पूरा दिन मैंने इनके साथ गुजारा है, बहुत ही हेल्पफुल आदमी है, मतलब उसकी तारीफ में उनको दिखाया, और ये आदमी लुटकिन को जानता है, ये आपको ढूंढ देगा। सो ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिन। सो मैंने अपने दोस्त को ये बोला कि ये आपको मदद देगा, इनको सब पता है लुटकिन कहाँ जाता है, कौन होता है, तो ये आपको मदद करेगा। तब उसका दोस्त कहता है, यस ही हेल्प्ड मी ए लॉट, हाँ ये तो बहुत ही मदद करेगा, ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिन हिमसेल्फ, और इसे करना भी चाहिए, हैं ये मस्ट हैव, क्योंकि यही तो लुटकिन है। What really hurt me was that when I saw the someone, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. और जो सबसे ज्यादा चोट लगा मुझे ये कि जब मैंने लुटकिन को वो सम्मान दिया
तो वो और उसकी मम्मी दोनों मेरे पे ऐसे हंसी जैसे मैं किसी 7 क्लास का बच्चा हूँ या 7 साल का बच्चा हूँ। इस तरह से मजाक उड़ाया उन्होंने हमें। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विथ देम टू ए नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। और फिर बड़े लविंग काइंडनेस मतलब बड़े प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, और बिल्कुल दया दिखा के हमें आग्रह किया कि पड़ोस में चलते हैं और वहाँ पे चाय पीते हैं, मतलब पड़ोस में हमें ले जाके चाय पिलाने के लिए उन्होंने हमसे आग्रह किया। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंग्जियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिन जॉयफुली। लुटकिन ने इनसे कहा बड़े आनंद में कि ये जो पड़ोसी हैं, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया जो तुम कल आए थे, और वो काफ़ी उत्सुक है तुमसे मिलने के लिए, तो इसीलिए चलो अब कह रहे हैं कि दे आर अबाउट द ओनली फोल्क इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। कह रहे सिर्फ यही परिवार बच गया है जो कल तुमको नहीं देखा, पूरे गांव में, पूरे गांव के लोगों को मैंने तुम्हें मिलवा दिया, सबने तुम्हें देखा और सब खूब हंसे हम लोग तुम पर, बस ये रह गए थे तुम्हें देखने के लिए। सो आओ उनके यहाँ चाय पीते हैं ताकि वो तुमको देख भी लें। अब आपने स्टोरी समझ लिया कि ये जो यंग फिलो हैं जिनको सम्मान देने के लिए जाते हैं, वही लुटकिन से ही बात करने कि मुझे लुटकिन चाहिए, मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। और लुटकिन कितना स्मार्ट 40 साल का वो आदमी है कि सेकंड में क्या प्लान रचा। उन्होंने गाड़ी लाई, इनको बिठाया, दिन भर इनको घुमाया पूरे शहर में, इनसे कमाई करी और कहाँ कहाँ ले गया। आप देखेंगे इनके स्टेप्स कैसे थे कि इनको पीछे रखता था और जिनसे भी ये मिलता था, सपोज आप लुटकिन हुए और आपके जानने वाले से आप मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने लुटकिन को देखा है, तो हक्का बक्का आपका मुंह देखेगा कि भाई ये खुद ही अपने लिए क्यों पूछ रहा है। फिर वो उसका सेंस काम करेगा कि आपके पीछे जो आदमी है, हो सकता है उनको आप धोखा दे रहे हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ नया बता देगा और उसके हिसाब से। तो ऐसे ही हुआ, हर आदमी इसका जानने वाला था, ये सामने होता था, आँख मार के उनको बता दिया करता था कि तुमने लुटकिन को देखा है आज सुबह से, तो वो पहले इनको देखता था और फिर तुरंत में डिसीजन लेके, हाँ लुटकिन को मैंने देखा, अभी यहाँ था, वो अभी अभी इधर से गया है। कोई कहता है मेरे उन पे पैसे हैं, कोई कहता है वो अभी यहाँ गया है, वहाँ गया है। सो हर जगह 2-4 मिनट का ही फ़र्क ऐसे ऐसे रहता है, जबकि ये देखते नहीं हैं, ठीक उनका पीछा नहीं करते हैं, लोगों को कहने पे पीछा करते हैं, और हर जगह ऐसे लगता है कि 2 मिनट पहले यहाँ से निकला है। ये दिखाता है कि हर जगह ये लुटकिन खुद ही लुटकिन को ढूंढ रहे हैं और उसका ये प्रभाव है। सो बहुत ही स्मार्ट हैं वो हैक ड्राइवर, खुद ही इनसे अच्छा कमाई कर लिया दिन भर और आखिर में इन्होंने सम्मान करी। तो आपने क्या देखा कि अनुभव एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है, बहुत ही मैटर करता है किसी भी काम के लिए और किसी भी चीज़ को क्रॉस चेक करने में। सिर्फ किसी काम में कैरी अवे हो जाना, जो ये न्यू कलर के साथ हुआ है कि गांव देखने का शौक, फिर गांव में गए तो खो से गए, तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं सो असफलता को सामने करवा देते हैं। तो ये था हमारा 8th चैप्टर। अब हम अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे नई कहानी, तब तक के लिए थैंक यू। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए एजब का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। एजब के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।